नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है डीएसआर जोन में। मित्रों, कोई भी इंसान जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं उसे, पुरुष है, स्त्री है, कोई भी, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, कोई साथी कैसा भी, यदि वो आपसे दूर चला जाए, नाराज़ हो जाए, आपके बीच इस प्रकार के मनमुटाव हो जाए कि वो आपको अनदेखा करने लगे, आपसे बात करना बंद कर दे, बुरा व्यवहार करने लगे, आपके बीच कुछ भी अच्छा ना चल रहा हो, आपका संबंध खराब हो रहा। मित्रों, ऐसे में जब आपके पास कोई भी समाधान नहीं बचता, कोई उपाय आपके पास नहीं है कि ऐसा क्या करें कि हमारा वो प्रिय हमारे पास वापस आ सके, ऐसी समस्या को खत्म करने के लिए और आपके अपने उस प्रिय को अपने पास लाने के लिए, उसे करीब वापस पाने के लिए, मित्रों बहुत ही सरल उपाय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो किसी भी वजह से अलग हो रहा है, दूर हो रहा है, टूट रहा है रिश्ता, उसे जोड़ देगा मित्रों। बहुत सरल उपाय है, एक प्याज के द्वारा ये उपाय हो जाता है। आपने क्या करना है मित्रों, सप्ताह में किसी भी दिन, सभी दिन खूबसूरत हैं, आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आपने उपाय किस प्रकार से करना है, आपने एक प्याज ले लेना है और प्याज के साथ आपने थोड़ा सा लाल रंग का सिंदूर या रोली कुछ भी आप लेना है, जरा सी, तीन चार चुटकी के करीब, और साथ में आपने थोड़ी सी हल्दी, पिसी हुई जो हल्दी होती है वो रख लें, और एक कटोरी में पानी रख लें, थोड़ा सा पानी कटोरी में लगभग आधे से अधिक भर कर रखें। अब आपने क्या करना है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके एकांत में आप बैठ जाएं, कोई भी आसन कपड़ा बिछा लें, उस पर आप बैठ जाएं। उसके बाद आपने जो प्याज है उसको अभी आप आधा काट दें, जो प्याज है उसको बीच में से आधा काट दें, कैसे भी आधा काटें और आधा भाग हटा दें। विशेष ध्यान रखें, छिलका नहीं उतारना, जैसा है आपने काटना है, जैसा भी वो कटेगा आप आधा काट लें। इसके बाद आप क्या करें, जो पानी आपके सामने कटोरी में रखा है, आप गिलास में भी पानी ले सकते हैं, कटोरी हो गिलास हो, थोड़ा सा पानी उसमें से एक घूंट पी लें, और जो उसके बाद जो पानी है बिना ज़मीन पर रखे उस बर्तन को, जो भी गिलास कटोरी है, आपने थोड़ा सा पानी जो आपने रोली और हल्दी ली है या सिंदूर और हल्दी ली है उसमें हल्का सा पानी गिरा दें लिखने लायक। अब आपने क्या करना है, जो प्याज है जब वो लिखने लायक हो जाए उसे आप अपनी उंगली से, जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है, तर्जनी उंगली, उस उंगली से आप उसको घुमा लें, थोड़ा सा मिला लें, घोल बना लें उसका लिखने लायक। उस पर उंगली डुबाकर सबसे पहले आप प्याज के बीच में एक थोड़ा सा सिंदूर, जो ये भी आपने घोल बनाया, ये लगा देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, बाकी चीज़ें आप रहने दें, इस प्याज के टुकड़े को आप उठाएँ और जो आपके सामने शब्द लिखा गया है प्रेमाद कठंग, ये आपने प्याज के ऊपर किसी लकड़ी या किसी भी माचिस की तीली से भी आप लिख सकते हैं, उसके प्रयोग से आप लिख लें। अब आपने क्या करना है, इस प्याज के टुकड़े को आप ज़मीन पर रखें और अपने दाएं हाथ से ढांक दें, बायां हाथ दाएं हाथ के ऊपर लगा दें और बोलें एक मंत्र। ये मंत्र मित्रों आपने 11 बार बोलना है, आंख बंद करके याद करके बोलेंगे आप ये मंत्र, ओम उषंग काम्य ओम प्रेमाद कठंग नमः, ओम उषंग काम्य ओम प्रमोद कठंग नमः। इस मंत्र को आप याद अवश्य कर लें मित्रों, पहले याद करें तब उपाय शुरू करें, और पूरा ध्यान केंद्रित करके जितना आप सामने वाले से प्यार करते हैं पूरी ताकत लगा दीजिए उसे याद करने में, उसे अपने दिमाग और दिल में लाने में, और उसके बाद आप ये मंत्र उच्चारित करें और इसका प्रभाव आप देखेंगे खुद। सिर्फ आपने उसको सोचना है, उसके चेहरे को पूरे तरीके से याद कर लेना है। जब ये आप कर लें मंत्र पढ़ने के बाद, अब मित्रों आपने क्या करना है, एक कागज पर इसी घोल से जो आपने सामने लगा हुआ है उसी लकड़ी से उस इंसान का नाम लिख दें जिससे आप प्रेम करते हैं, मुख्य नाम प्रमुख नाम लिखें, और उस कागज़ पर इस प्याज को रखें, कागज़ से पूरा लपेट दें, बड़ा कागज़ लें, सफ़ेद साफ़ सुथरा कागज़ हो, बस पहले से उसमें कुछ लिखा हुआ ना हो।
और उसके बाद आपने क्या करना है, कागज़ में जब उसे लपेट लिया, उसे आप घर से बाहर ले जाकर किसी भी वृक्ष की जड़ पर गाड़ा है, ज़मीन में दबा दें, वापस आ जाएं। इतना करते ही मित्रों, वो इंसान जिसके लिए आपने इसे किया है, उसके दिल और दिमाग पर सिर्फ आप छा जाएंगे और मात्र 4 दिन के भीतर वो खुद आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। मित्रों, ये है उपाय, इसे आप करें, आपको इस उपाय से बहुत लाभ होगा। अब दें आज्ञा, अगली वीडियो में मित्रों फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखें अपना, खुश रहें। नमस्कार।